ओके एवरीवन, सो हमने सेल्स पेज की बात की थी कि एक अच्छा सेल्स पेज कैसे लिखते हैं, और अभी मैं एक सेल्स पेज आपको लिख के भी दिखाती हूँ, ठीक है? ये टेम्पलेट मैं आपको डाउनलोडेबल भी दे दूंगी वीडियो के साथ। सो लेट्स से कि हम मैं आपके लिए फॉर प्रैक्टिस ये कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमने इन्फोग्राफिक डिस्कस किया था कि सेल्स पेज के क्या 8 स्टेप्स हैं। अभी उन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं आपको एक सेल्स पेज लिख के भी दिखाती हूँ। सो पहली चीज़ है हमारे पास यू फोकस्ड हेडलाइन विद योर मेन बेनिफिट। सो सबसे पहली चीज़ तो हमने लिखनी है यू फोकस हेडलाइन अपने मेन बेनिफिट के साथ। वो हेडलाइन वाली क्लास याद है, हमने उसमें एंगेजिंग टाइटल्स की बात की थी, गेट रिड ऑफ लिटिल नोन सीक्रेट्स, वो सारी चीज़ें, उनमें से भी कोई हेडलाइन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 7 स्टेप्स, ठीक है? सो हम यहाँ लिखते हैं वॉन्ट टू गेट टू योर आइडियल बॉडी शेप। ठीक है, यू फोकस्ड है हेडलाइन कि अपनी आइडियल बॉडी शेप में जाना चाहते हो। गेट रिड ऑफ बेली फैट इन अ मंथ, ठीक है? सो ये मेरी सब टाइटल आ गया हेडिंग के साथ, ये टाइटल आ गया मेरे पेज का। सो योर आइडिया, हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम अपने आइडियल बॉडी शेप में जाना चाहते हो, गेट रिड ऑफ बेली फैट इन अ मंथ, ठीक है? क्या हमने उसको बता भी दिया यू फोकस्ड हेडिंग भी, और उसको क्या मिलेगा, गेट रिड ऑफ, आपको ये फॉर्मूला याद है, राइट? अब यहाँ मैं इन 30 डेज भी लिख सकती थी, है ना, 30 डेज भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा भला? इन अ मंथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 30 ज्यादा लगता है, अ मंथ लगता है बस एक महीना है, 30 का नंबर ज्यादा लग रहा है साउंड करने में। सो गेट रिड ऑफ बेली फैट इन अ मंथ, ये हमारी फर्स्ट थिंग आ गई, यू फोकस्ड हेडलाइन। फिर सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, मेन बेनिफिट भी मैंने इसमें बता दिया, यू फोकस हेडलाइन वॉन्ट टू गेट योर आइडियल बॉडी शेप। यू पे फोकस है, वो क्या चाहता है, आइडियल बॉडी शेप। बेनिफिट क्या है कि ही विल गेट रिड ऑफ बेली फैट इन अ मंथ, ये इसका बेनिफिट है। अब पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास जो हमने लिखना, वो ये कि करंट पेन पॉइंट एक्सप्लेन करना है, पिक्चर बनानी है कि अभी वो क्या महसूस कर रहा है। सो हम कह सकते हैं, जैसा फॉन्ट बड़ा करें ताकि आपको नजर आए, आर यू वरिड अबाउट लुकिंग बल्कि इन ऑल योर फैमिली इवेंट्स, ठीक है? क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप, या पेंट पिक्चर भी कर सकते हैं, इमेजिन हैविंग योर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग डे एंड यू जस्ट कांट, जस्ट कवर्ड वीक एंड यू कांट फिट, इमेजिन योर हैविंग, कुछ छोड़ दे, इमेजिन योर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग डे एंड यू कांट फिट इन टू the outfit that you chose. Imagine से भी start करते हैं कि उसके mind के अंदर picture paint हो रही है, imagine के लफ्ज़ से हम जुमला start करेंगे तो वो they will start imagining, ठीक है? और आप ये कह सकते हैं are you, ये कुछ paint picture कर रही हूँ, थोड़ी सी examples देके आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? Are you worried about your excess body fat? Don't you want to get that slim fit look and be the best version of you of yourself, ठीक है? सो हमने करंट पिक्चर उसको पेंट करके दिखानी है कि तुम्हारी दोस्त की शादी है, तुम उस आउटफिट में पूरी नहीं आ रही, या तुम अपने एक्सेस बॉडी फैट के बारे में परेशान हो, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। डोंट यू वांट, आप क्या स्लिम फिट लुक जा रहे हो उसके अंदर, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो आप इधर अपना जो भी आपका, ठीक है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप इधर अपनी लाइन्स भी फुल कर सकते हो। आर यू वरिड अबाउट एक्नी ऑन योर स्किन? आर यू वरिड अबाउट नॉट गेटिंग enough traffic on your pages? Are you worried about sales not going steady? So कुछ भी हो सकता है जिस बारे में आपकी product या service है, ठीक है? Are you worried भी कर सकते हैं, उसको कुछ और भी कर सकते हैं, सिर्फ ये एक सवाल लिखने का तरीका है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, don't you want to get that slim fit look and be the best version of yourself? It's really embarrassing. अब उसका पेन पॉइंट हम एड्रेस करें ना, उसको बता रहे हैं बड़ा एम्बेरसिंग है, इट्स रियली एम्बेरसिंग टू मिस आउट ऑन वेडिंग प्रपोजल्स बिकॉज ऑफ अ बल्की फिगर। कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं हम, कोई कहे कि बॉडी शेमिंग है, हम उनको बता रहे हैं कि ये उनका प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने इमेजिन करनी है कि जो प्रॉब्लम मैं यूज़र का सॉल्व करने जा रहा हूँ उसकी वजह से उसको कहाँ कहाँ मसला दरपेश आता है, किसी फंक्शन में कोई प्रपोजल नहीं आ रहा मैरिज का, या वो फिट लगना चाहता है,
या उसका अपनी मे बी उसके स्पाउस को उसमें इंटरेस्ट कम होता जाता है, कुछ भी अपने फ्रेंड ग्रुप में वो स्टैंड आउट करना चाहता है, कोई उसका इंपॉर्टेंट शूट आ रहा है उसके लिए वो करना. सो आपने इस तरह सोचना है एंड उसकी करंट पेन पिक्चराइज करना है कि वह अभी किन मसलों से गुजर रहा है. ठीक है, विद एम्पथी, इसमें एम्पथेटिक होना ज़रूरी है कि मैं आपका मसला समझ सकता हूँ. ठीक है, फिर हमने थर्ड थिंग है उसको प्रॉमिस करना है. ठीक है, डिस्क्राइब अ बेटर फ्यूचर, क्या फ्यूचर है उसका. फॉर एग्जाम्पल, नॉट एनी मोर. ठीक है, थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग और इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है. अब हमने बेटर फ्यूचर यहाँ पे प्रॉमिस करना है. यू कैन गेट टू योर आइडियल फिजिक इन जस्ट 30 डेज और इन अ मंथ. अब हमने उसको बेटर फ्यूचर, यू विल बी द, ठीक है, यू कैन गेट टू योर आइडियल फिजिक इन अ मंथ, बता दिए कि आइडियल फिजिक तक तुम पहुँच जाओगे. सीधी सीधी बात है, कोई लगी लिपटी नहीं है. ठीक है, यू विल बी द स्टार ऑफ द पार्टी सून इनाफ, तुम स्टार ऑफ द पार्टी बन जाओगे. हाउ अमेजिंग इट इज टू हैव ऑल आईज सेंटर्ड ऑन यू वैन यू आर एट अ पब्लिक इवेंट. अभी देखो ये हाउ अमेजिंग इट इज टू हैव ऑल आईज सेंटर्ड ऑन यू वैन यू आर एट अ पब्लिक इवेंट, ये सब मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, बस ऑन द गो आपको करके दिखा रही हूँ. ये मैंने उसको, वो अगेन वही बात है कि मैंने उसके इमोशन को अपील किया है कि जब वो ये जुमला पड़ेगा उसको लगेगा हाँ मेरे ऊपर सारे लोग देख रहे होंगे, वाह सो कितना अमेजिंग है ना, ऑल आईज आपके ऊपर सेंटर्ड हों. अमेजिंग इज अ पावर वर्ड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया. नाउ यू कैन अचीव ऑल दिस, या अचीव ऑल द अटेंशन दैट यू वांट. नाउ यू कैन अट्रैक्ट ऑल द अटेंशन यू वांट, अट्रैक्ट ऑल द अटेंशन you want by focusing by using this product, by availing our service, by focusing on your goals. जो भी हमारी product या service है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता सकते हैं. Attract all the attention you want with our tried and tested weight loss formula या जो भी product है service है जिसको आपने यहाँ introduce करवाना है. सो अभी तक समझ आ रहा है, सबसे पहले हमने उसको हेडिंग में बताया यू फोकस्ड के वो क्या करना चाहता है, योर आइडियल बॉडी शेप. फिर उसको बेनिफिट बताया कि क्या होगा, बेली फैट चला जाएगा. फिर उसको पिक्चर पेंट की कि अभी तुम कहाँ खड़े हो. ठीक है, इमेजिन ये हो रहा है, तुम ये नहीं चाहते हो. सो जो भी उसका प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखा. फिर नॉट एनी मोर, अब हमने सोल्यूशन प्रॉमिस किया कि क्या तुम्हें फ्यूचर, बेटर फ्यूचर क्या होगा. यू कैन गेट to your ideal physique in a month. You will be the star of the party soon enough. How amazing it is to have all eyes centered on you when you are at a public event. Attract all the attention you want with our tried and tested weight loss formula. So yeah, so you can get more traffic, you can get SEO traffic, you can get digital, you can get more clients, you can get jo bhi aap product or service aapka de raha hai usko. Theek hai? Your sales will start to rise soon enough. How amazing it is to have daily sales, daily visitors increasing, daily sales increasing, getting more on your ad copies, जो भी आप उसको offer कर रहे हैं. ठीक है, attract all the attention की बजाय आप change कर सकते हैं attention of your customers कर सकते हैं. Attract all the money that you want, attract all the fame that you want, जो भी attract all the success that you want with our tried and tested weight loss formula. इसकी बजाय आप कुछ और भी लिख सकते हैं, amazing tool with our tried and tested tool with our free trial, जो भी चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, सो ये एक टेम्पलेट की तरह मैं आपको बना के दे रही हूँ ताकि आप इसको यूज़ कर सकते हो. फिर हमारे पास आ गया एक इमेज अपना, हमने यहाँ पे कोई गूगल पे जाते हैं फॉर एग्जांपल. वैसे आपने गूगल से इमेज नहीं उठाना, आपने जैसे रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं वो लेने हैं. ठीक है, पिक्सबे से ले लिया, पिक्सेल से ले लिया, अनस्प्लैश से ले लिया, कहीं से भी हमने रॉयल्टी फ्री पिक से ले लिया, रॉयल्टी फ्री इमेज लेना है. ठीक है, सिंपली समझे, मैंने फ्री पिक खोला और यहाँ मैं लिखती हूँ वेट लॉस. अगर तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की अच्छी सी अपनी फ़ोटो है तो बेहतरीन बात यह कि आप अपनी ओरिजिनल फ़ोटो यूज़ करें. अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे देखें शटर स्टॉक से, फ्री पिक से, कहीं से उठा के लगा भी सकते हैं.
अब रेलिवेंट होनी चाहिए, अगर तो मेरा वेट लॉस फॉर्मूला जिम के बारे में है तो ये फोटो ज़्यादा रेलिवेंट लग रही है। अगर वो कोई खाने वाली चीज़ है या कुछ और है तो उसके अंदर हम लाइक अगर डाइट प्लान है तो उसके लिए ये फ़ोटो ज़्यादा रेलिवेंट है। तो फिर हमने देखने के मेरा प्रोडक्ट या सर्विस है क्या और उसके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, लेट्स से मुझे ये अच्छी लग रही है, इसमें बंदी का एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है और मैं ये कहती हूँ कि आप अपना बॉडी फैट से रेलिवेंट है। सो हमने इसको अपने यहाँ पे लैंडिंग पेज में इंसर्ट कर दिया। सो एक अच्छा सा इमेज लगाया। अगर आपके पास अपना हो दैट्स बेटर, नहीं हो तो मैंने आपको बताया जिस तरह फ्री पिक, पिक्स पे, इस तरह की जगहों से आप जाके ले सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कोई थोड़ा सा अगर आप चाहें, लुक एट दैट फैट बर्निंग, लेट दैट फैट गो, कुछ भी अच्छा सा कैप्शन बना सकते हैं इसके साथ, इमेज के साथ जाने वाला। ठीक है, फिर ये हमने सोल्यूशन दिखाया जिसमें हमारा सोल्यूशन नज़र आ रहा हो, यानी मेरा तो यही प्रॉमिस था ना आपका बॉडी फैट चला, बॉडी फैट चला जाएगा। तो इस इमेज में मेरा सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि इसका बॉडी फैट जा चुका हुआ है एंड नाउ शी इज़ फिटिंग इनटू हर फेवरेट स्लिम फिट जीन्स।